बोलो सर, इस साल भी टेंडर किसी और कंपनी को मिला है। What? How it is possible? But हमारी बीट तो सबसे कम थी। I know sir, still we are helpless. Shit. हाँ बेटा आ गए, आज बहुत देर कर दी। हाँ मॉम, आज टेंडर का रिजल्ट था। भुवन, ऑफिस से कॉल आया था मुझे, तुझे इस बार भी टेंडर नहीं मिला ना? अरे सुनिए, अभी आया बाहर से, थोड़ी शांति रखिए। कैसे रखूं शांति? पिछले 4 सालों में 5 करोड़ का नुकसान किया है इसने। अच्छा खासा आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, न जाने किस रैंक पर होता अभी। पापा माना नुकसान किया है, पर पैसे भी बिजनेस से बनाए हैं, और बिजनेस में तो डाउनफॉल आ सकता है। तो क्यों गया था सब कुछ छोड़कर बिजनेस करने के लिए जब आर्मी में सिलेक्शन हो गया था? तो इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे, ना कि आर्मी की पोजीशन। आखिर आपको क्या मिला आर्मी में रहकर? मुझे क्या मिला आर्मी में रहकर? सम्मान मिला, सोसाइटी में इतनी इज्जत मिली, और मुझे खुशी है कि मैं अपने देश के कुछ काम आ सका। हमने बहुत अच्छी जिंदगी जी आर्मी में रहकर, तुम लोगों की इतनी अच्छी परवरिश करी। आर्मी इज रियली रियली गुड। ओ प्लीज, ऐसे समय आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि पिछली बातों का रिग्रेट। आपको मेरी गलती दिखाई देती है, तभी अमर को क्यों कुछ नहीं बोलते? अमर के बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता, वो तुमसे बेहतर है। अगर वो बेहतर है तो हमारी क्यों नहीं सुनता? दिन भर बाहर घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता। पर बात वही है ना, आपको तो बस अमर ही प्यारा है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। भुवन बेटा, बेटा रुको। पापा हमें आपकी रियल वाली गन ना हमें खेलना है। रियल वाली गन? बेटा अगर रियल वाली गन से खेलना है ना, तो उसको अपने देश की सुरक्षा के लिए चलाना और बड़े होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, ताकि पापा को भी आप दोनों बताओ, पापा को भी आप दोनों बताओ। हम CBI से हैं। हमें मालूम पड़ा है आपके पास न्यूक्लियर बम बनाने का सामान है। What? Yes. न्यूक्लियर बम सबसे? Yes. हम चेक करेंगे गाड़ी आपकी। आइए। But, sir. आइए। बहुत शौक है तुझे बम बनाने का। सर ये बैग मेरा नहीं सर। अरेस्ट हिम। बट सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर बिलीव नहीं, मैंने कुछ। सर हेडक्वार्टर से फोन है। बात करो। सर पुलिस ने छोड़ने का ऑर्डर। सॉरी सर, हमने आपको डिस्टर्ब किया। वी अपोलोजाइज। सॉरी। कितनी देर हो गई, अभी तक अमर नहीं आया। आ जाएगा, आप चिंता मत करो। हाँ शर्म आती मुझे कि तू मेरा भाई है। आप मेरे काम के बीच में मत बोलो। आज अगर पापा होते तो तेरा काम देखकर जीते जी मर जाते। मैं अपना काम बेहतर जानता।
ओ कलेक्टर सर, प्लीज वेलकम। एक्चुअली मिनिस्टर साहब आए हुए हैं आपके घर। व्हाट मिनिस्टर साहब? या सर नमस्कार। सर आइए। आपके शहर में आया था एक प्रोग्राम के, यहाँ पता चला कि मिस्टर कुमार का घर यहीं पर है, सोचा बधाई दे ही। बधाई किस बात की? आइए आइए मेजर अमर कुमार, कांग्रेचुलेशंस। सर शायद कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई भुवन जी, इस बार मेजर अमर कुमार को सरकार की तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है। वो? किस बात का? इन्होंने जिहादियों के बम ब्लास्ट की साजिश को नाकाम करके देश के हजारों हजार नागरिकों की जान बचाई। अच्छा, और इसी बात का ही अवार्ड है। सर इंडिया वाले आते हैं बाहर का दिया। ठीक है चलिए बाहर चलते हैं। आइए जिन्हें आपने अरेस्ट किया मेजर अमर कुमार के भाई ने, बैग लेके उन्हें छोड़ दो। शर्म आती है मुझे कि तू मेरा मेरा भाई है। मंत्री जी आप बताएंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं आज? मेजर अमर कुमार को इस बार गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अवार्ड देने का निर्णय किया है, उसी के लिए बधाई देने के लिए मैं यहाँ आया। मुझे बहुत खुशी है कि मेजर अमर कुमार देश की सेवा करते हुए अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारे देश के बहुत कम पेरेंट्स अपने बच्चों को मिलिट्री में भेजना चाहते हैं, लेकिन इनके पिता कर्नल कुमार ने हमेशा से शुरू से अपने दोनों बच्चों को मिलिट्री में ही भेजना चाहा। आज जब आर्मी ऑफिसर के यहाँ पर आए हैं तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के पेरेंट्स से ये पूछना चाहता हूँ कि जब कभी भी बच्चों के करियर की बात आती है तो हम ये क्यों चाहते हैं कि वो डॉक्टर इंजीनियर या लॉयर बने? हम उनसे ये क्यों नहीं पूछते हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं कि बी द पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी? हम हमारे देश की सुरक्षा तो चाहते हैं, मगर ये नहीं चाहते कि हमारे घर का कोई मेंबर मिलिट्री में जाकर देश की सुरक्षा करे। क्या सिर्फ पैसे कमाना ही जिंदगी का लक्ष्य है? देश की सुरक्षा कुछ नहीं? ये जो सम्मान, ये जो चमक, ये जो गौरव एक मिलिट्री के ऑफिसर को मिला है, ये हर किसी के नसीब की बात नहीं है। इसीलिए मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूं। था मुझे मुझे फिर इस बार टेंडर नहीं मिला ना? अरे सुनिए आप थोड़ा जोर से। मुझे क्या मिला? खड़ा हो जाऊंगा। हो जाओ, क्या करना क्या है भाई? प्लीज सेक लॉग अप इन। ओ कलेक्टर सर, कैसे हैं? प्लीज वेलकम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर। दरअसल आप कैसे? ये यहां चाहते हो कि यहां चाहते हो? क्या सिर्फ पैसे कमाना ही जीवन? अच्छा मंत्री जी मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे। अभी लाइन पढ़ने के बाद देता हूँ। अमर कुमार सेकंड। मेजर अमर कुमार थर्ड। मेजर अमर कुमार